फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं पत्ता गोभी और चने की दाल की सब्जी, वो भी मेरे स्टाइल में। तो भाई एक ऐसी सब्जी है ना जो मुझे जरा भी नहीं पसंद, घर में बनता है ना तो मेरा मन ही नहीं करता है खाने का, लेकिन आज बनने वाला है चैनल पे। मजबूत कर रहा है अपने आप। आज मेरे लिए एकदम सख्त इम्तिहान है। क्यों बना रहे हैं? देखो पहली बात मैं बता दूं, बहुत से बच्चे लोगों को चने की दाल ये पत्ता गोभी की सब्जी पसंद नहीं आती, लेकिन वही पत्ता गोभी आप चाइनीज में डालो बड़े शौक से खाएंगे, नूडल में डालो बड़े शौक से खाएंगे। ये क्या बात हुई? हाँ कोई शोरमे में भी डाल लेते। हाँ फिर शोरमे में भी जाते थे भी नहीं नहीं मैं बनाऊंगी चटपटी और देखना ये खाएगा मस्त एकदम। ठीक है तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे कि हमें आज पत्ता गोभी की भाजी बनाने के लिए क्या क्या लेंगे। तो चलो तो सबसे पहले लेंगे हम पत्ता गोभी, चने की दाल, प्याज, टमाटे, हरी मिर्ची, कड़ी पत्ता, कोतमीर, भाजी मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, गरम मसाला पाउडर, हींग, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, राई, जीरा सब लगेगा। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम पत्ता गोभी को काट लेंगे। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी ली हूँ आधा किलो, ठीक है। और पत्ता गोभी को लेने के लिए क्या करना चाहिए, पहले इसका वजन का देख लेना चाहिए कि ये घट है या नहीं। बहुत सी पत्ता गोभी कैसी है, इतनी बड़ी दिखती है लेकिन हाथ में उठाओ तो एकदम हल्की फुल्की रहती है, यानी कि वो पोकल पत्ता गोभी रहती है। और जो छोटी भी रहेगी और वजनदार रहेगी वो ठस वाली रहती है, तो वैसी ही लेना, ठीक है। तो अब हम इसको कट कर लेंगे। तो ये वजनदार पत्थर जैसी है। हाँ कभी भी वजनदार देख के लेंगे तो आपकी पत्ता गोभी अच्छी निकलेगी, ठीक है। और कितनी अम्मी है? ये आधा किलो है, आधा किलो। देख रही है ये अंदर का जो हिस्सा है ये ठस है, और जो वो हल्की निकलेगी उसकी कैसी पत्ता गोभी दूर 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 रहेंगी जाली वाली, तो वो पत्ता गोभी सही नहीं पकती है और कटिंग में भी सही नहीं कटती है। तो मैं पहले ये निकाल लूँ ऊपर का जो ये, तो यहाँ पर मैंने इसके ऊपर के जो छिलटे हैं वो निकाल ली हूँ, ठीक है। अब हम इसको कट कर लेंगे और कट भी लंबे लंबे ही करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने पत्ता गोभी अच्छे से कट कर ली हूँ, अभी मैं इसको दो से तीन पानी में धो लूंगी, ठीक है। तो यहाँ पर पत्ता गोभी को मैंने दो तीन पानी से अच्छे से धो ली हूँ। अब मैं इसमें डालूंगी नमक। ये नमक डालने से क्या होगा, ये अच्छी तरीके से साफ हो जाएगी, क्योंकि ये लेयर लेयर वाली भाजी है ना, इसके लिए इसको 10 मिनट हम नमक के पानी में रखेंगे तो ये अच्छे से साफ हो जाएगी। अब हम इसको इसी तरीके से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, और यहाँ पे हमने कढ़ाई चढ़ा दी है, ठीक है। तो अभी तेल डाल रही हूँ मैं इसमें, तेल को थोड़ा सा गर्म होने देंगे। तो यहाँ पर तेल अच्छे से हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें डालेंगे राई, आधा चम्मच जीरा, इसी के साथ मैं इसमें डालूंगी थोड़े से कड़ी पत्ता, इसी के साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ी सी हींग, क्योंकि चने की दाल पका रहे हैं तो हींग थोड़ी सी ऐड कर लेना। अब हम इसमें डालेंगे दो मीडियम साइज की प्याज। तड़के की खुशबू इतनी अच्छी आती है ना, राई जीरा और कड़ी पत्ता डालते साथ मस्त वाली। अब मैं इसको थोड़ा देर पका लूंगी, हमको प्याज को एकदम लाल नहीं करना है, सिर्फ पकाना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्याज अच्छे से हमारी पक चुकी है ना, अब इससे ज्यादा हमको नहीं पकाना है। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन। अगर आपको कट करके डालना है अदरक लहसुन को बारीक तो डाल सकते हैं, लेकिन मैं पेस्ट है बोल के वही इस्तेमाल कर रही हूँ। अभी इसको 10-20 सेकंड के लिए अच्छे से ज़रा पका लेंगे अदरक लहसुन को। तो यहाँ पे अदरक लहसुन अच्छे से मैंने पका ली हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये चने की दाल। ये चने की दाल मैंने 2 घंटे से भिगा के रखी हूँ, ठीक है। ये अच्छे से नरम हो चुकी है इस तरीके से, इसको हम डालेंगे। ये मैंने 50 ग्राम चने की दाल ली थी, भीगने रखी थी, तो ये भीग के थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। 50 ग्राम चने की दाल, आधा किलो पत्ता गोभी में
बस हो जाएगी, क्योंकि पत्ता गोभी जो है दिखने में आधा किलो है लेकिन इसकी क्वांटिटी पकने के बाद कम होती है ना, इसका पानी सुखाने के बाद इसकी क्वांटिटी कम हो जाएगी। इसलिए 50 ग्राम चने की दाल को मैंने इसलिए पहले डाली क्योंकि चने की दाल हमारी पकने को टाइम लेती है, पत्ता गोभी पकने के लिए टाइम नहीं लेती है। अब हम इसी में सूखे मसाले ऐड कर देंगे। यहाँ मैं डालूंगी हल्दी की बुक्की, एक चम्मच डालेंगे हम धनिया की बुक्की, एक चम्मच डालेंगे हम मिर्ची की बुक्की और आधा चम्मच जीरे की बुक्की और आधा चम्मच हम डालेंगे यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्ची। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ये सूखे मसाले चने के साथ ही पकाऊंगी। चने की दाल सिर्फ स्टार्ट में डालने की वजह यही है कि ये थोड़ी पक जाए, है ना। अब हम इसमें डालेंगे हमारे ये जो टमाटे लिए हमने, तीन मैंने मीडियम साइज के टमाटे लिए, टमाटे अब हम क्या करेंगे इसको अच्छे से हिला लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे नमक, इसमें मैं नमक डाल दूंगी, यहां मैं 1.5 चम्मच नमक ऐड कर रही हूं। अब हम भाजी के अंदर नमक नहीं डालेंगे जब तक हम नमक को चखेंगे नहीं। अब ये जो टमाटे का जो पानी निकलेगा ना, इसी के अंदर हमारी चने की जो दाल है वो गल जाएगी। ठीक है, यहाँ मैं ढक के इसको 5 से 7 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकने दूंगी। तो चलो देखते हैं, धीमी आंच पे इसको मैंने पूरा 7 से 8 मिनट तक पकाई हूँ हिला हिला के। यहाँ पे मेरे टमाटे अच्छे से गल गए हैं, टमाटे के पानी में मेरी चने की दाल भी आधे से ज्यादा गल गई है। अब हम इसमें डालेंगे पत्ता गोभी, अभी जो गलना है वो पत्ता गोभी के पानी से गल जाएगी, है ना। यहाँ पे मैंने जो नमक का पानी था वो निकाल ली हूँ और इसको एक पानी से और धो ली हूँ। ये पत्ता गोभी आपको इतनी दिख रही है ना, ये इतनी नहीं पकने वाली है, आधी बाजू वाले को देंगे ना अपन। नहीं नहीं, ये पकने के बाद तो खुद बोलेगा गायब किधर हो गई, ये पूरी बैठ जाएगी। ठीक है, पत्ता गोभी पकने के बाद कम हो जाती है, जादू है ना, जादू, क्योंकि इसका खुद का पानी इतना निकलता है भाजी का कि ये इसी में गल जाती है। और ये भाजी जितना धीमी आंच पे पकाएंगे आप उतना ही टेस्टी बनेगी, इसको फास्ट आंच पे नहीं पकाना। पक्का टेस्टी बनेगी ना मम्मी? हाँ पक्का टेस्टी बनेगी। तो चिकन से हटके तो कुछ खाया करना तो पता चलेगा, चिकन 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 चाहिए, नहीं तो गोश्त चाहिए, चिकन नहीं तो मटन हमें। हाँ वही, नहीं तो कबाब, गोश्त को ही बोलते मटन तुम्हारा। अब हम इसको हिलाएंगे नहीं, थोड़ा सा ढक के रख देंगे, इसकी क्वांटिटी थोड़ी कम हो जाएगी, तब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 3-4 मिनट मैंने धीमी आंच पे ढक के रख दी थी। देखा पत्ता गोभी गायब हो गई ना? नहीं नहीं, मेरे को तो दिख रही है। अरे लेकिन बैठ गई ना पूरी, कढ़ाई भरी हुई थी, अभी हिलाने भी नहीं हो रहा था। हाँ देखो अब मस्त हिलाने हो रहा है ना, लेकिन टेस्टी तो बनेगी ना मम्मी। मेरा बेटा होके टेस्ट की गारंटी ले रहा है मुझसे। ये भाजी लेकिन जब मैं नीचे ना बहुत कम खाता हूँ। इसमें बनेगी ये मैं ना ये भाजी मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 चम्मच, और इसी के साथ यहाँ पे मैं गरम मसाला पाउडर इस्तेमाल कर रही हूँ वो भी मैं डाल दी। ठीक है, और यहाँ पे मैंने ये 3 हरी मिर्ची भी इसमें ऐड कर दी, और इसमें मैं डालूंगी थोड़ी सी कोथमीर। अब अच्छी बनेगी भाजी। अब इसको हिलाएंगे हम मस्त वाले। अभी कोथमीर डाल दिया ना तुम। इसको मेरी कोथमीर से बड़ा प्रॉब्लम है। अब ये मसाले पूरे ऊपर नीचे अच्छे से हर भाजी को लगेंगे, और पानी भी छोड़ दी हमारी पत्ता गोभी ने। देख मैंने पानी तो जरा भी नहीं डाली हूँ ना। हाँ। लेकिन पानी अच्छा खासा छोड़ दी। अब यही पानी के अंदर ये चने की दाल जो कच्ची है थोड़ी बहुत वो भी पक जाएगी और पत्ता गोभी भी पक जाएगी। ठीक है, इसको मैं ढक के फिर से 6-7 मिनट के लिए रख दूंगी, क्योंकि अभी हमने इसमें गरम मसाला, पाव भाजी मसाला, भाजी मसाला, हरी मिर्ची, कोथमीर सब ऐड करेंगे, और नमक हम जरा भी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हमने हमारे हिसाब से नमक डाल चुके हैं। इसको मैं ढक के अभी 5 से 7 मिनट और पकने दूंगी। तो चलो देखते हैं, इसको पूरा 15 मिनट हो गया है, 5 से 7 मिनट बोली थी मैंने आपको,
लेकिन चने की दाल थोड़ी सी कच्ची थी तो मैंने हिला के धीमी आंच पे इसको वापस से ढक के रख दी थी, है ना। अब हमारी भाजी हो गई तैयार। टेस्टी तो बनी होगी ना। हाँ टेस्टी बनी है। और हाँ, इसमें मैंने पानी ऐड नहीं करी हूँ, बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करी हूँ। जो पत्ता गोभी का पानी निकला था उसी में धीमी आंच पे पकाने की पूरी कोशिश करी हूँ। और चने की दाल भी इसमें पक गई ना। हाँ, उसी में पक गई। अगर आपको चने की दाल को पकाना है पहले पानी डाल के, तो पत्ता गोभी डालने से पहले जब हम टमाटे ऐड करते हैं ना, जब आप मांगता है आधा कप पानी डाल के चने की दाल को अच्छे से धीमी आंच पे गला लेना, उसके बाद पत्ता गोभी ऐड करना। क्योंकि पत्ता गोभी की भाजी में पानी डालते ना तो उसका मजा थोड़ा सा खराब होता है, क्योंकि पत्ता गोभी में खुद इतना पानी होता है। तो यहाँ पर मेरी भाजी एकदम मस्त वाली रेडी हो गई है। अब हम इसको गैस करेंगे बंद और इसको ढक के रख देंगे एकदम 2 मिनट के लिए। 2 मिनट के बाद हम इसको सर्व करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना पत्ता गोभी की सब्जी चना दाल के। बंद गोभी भी बोलते हैं इसको, बंद गोभी बोलते भोजन। पत्ता गोभी कर दो अभी बंद मत कर, बता रही हूँ। पत्ता गोभी की सब्जी को बहुत से लोग बंद गोभी भी बोलते हैं। तो पत्ता गोभी और चने की दाल की सब्जी, बंद गोभी नहीं, गोभी को बंद करो बोलते रहेंगे एक फूल गोभी आती है फ्लावर की, एक बंद गोभी आती है पत्ते वाली। और ये देखो आज है पराठा। पराठा कौन खाता है भाजी के साथ? वो भी देखो आज परफेक्ट पराठा बनाए चौकन, एकदम अचार वचार के साथ में ये सब्जी लेना। आप मटन भी लेके अचार अचार लेके मस्त बनती है एकदम। अचार लेके हो गया। ये पत्ता गोभी की सब्जी है ना, थायराइड वालों को डॉक्टर मना कर देता है, इसके लिए मेरे घर में ना थोड़ा सा ये बता दो भाई कौन कौन ये सब्जी खा सकता है। मेन बात अभी बोले तुमने, ये बहुत मस्त बनती है सब्जी। हाँ। और ये सब्जी है ना रोटी के साथ खाते खाने वाले, लेकिन बहुत से लोग है ना सिर्फ चावल में मसल के खाते बिना दाल के। लेकिन भाई देखो यार क्या मसालेदार दिख रही है, सही में बहुत ही मस्त दिख रही है। और ये पत्ता गोभी ना मेरी बहू की भी जरा सच्ची में ये घर में इसीलिए बनती है क्योंकि भाभी की फेवरेट है वो। तो लेकिन यार फ्रिज में क्या है जरा चेक कर, पत्ता गोभी मतलब चार भाजी रही है लेकिन भाभी पत्ता गोभी बना दू हफ्ते में 3 बार। वो क्या करती, दाल भी नहीं लेती प्लेट में, चावल लेके ये पत्ता गोभी डाल के सूखा सूखा मसल के तीखा तीखा चटपटा, उसको बहुत मजा आता। वैसे नहीं भाजी देखो मैंने पहले बोला कि भाई स्ट्रीट फूड जायका पे ना हर चीज गजब की बनती अलग थोड़ी बनती अलग बनती है। और हाँ जिसको थायराइड रहेगा वो ये भाजी ज्यादा नहीं खाना, क्योंकि मैं खुद 2 महीने में 4 महीने में इस तरीके से खाती हूँ, क्योंकि मुझे खुद डॉक्टर ने मना किया है पत्ता गोभी नहीं खाना। जिसको तो मैंने ना इसमें भाजी कम और चना दाल ज्यादा भर दिया है। लो मैं पहले बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह मैं तो खाऊंगा। देखो भाई मुझे पता है अलग बात है घर पे इसका टेस्ट थोड़ा अलग होता होगा, लेकिन स्ट्रीट फूड जायका पे ये कुछ मसालेदार अलग दिख रही है तो इसका टेस्ट भी अलग ही होगा। आओ पहले हम ना बड़ा नहीं वाला लेंगे। आपको एक्चुअल टेस्ट मालूम करना है ना तो बड़ा बाइट लेके कभी भी करना। ओहो मस्त एक नंबर दिखी। आओ बिस्मिल्लाह करते। अभी भी बोल रही हूँ थायराइड वाले लोग ये भाजी डेली नहीं खाना, हफ्ते में एक बार भी मत खाना। लेकिन हमें टेस्टी तो बनी रहे। देखो खा भी रहा फिर भी पूछ रहा है ये मेरी जान जला रहा। सही में खाता है ये, नाटक कर रहा है। ये पत्ता गोभी ना थायराइड वाले डेली डेली नहीं खाना, महीने में भी नहीं खाना, 2 महीने में 3 महीने में खाया करना। ये मैं मेरी तरफ से नहीं बोल रही हूँ, ये मेरे डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया है, मैं वो आपको बता रही हूँ। क्योंकि थायराइड वाले पेशेंट को पत्ता गोभी नहीं खाना चाहिए, मुझे ये डॉक्टर ने बोला है, इसके लिए मैं आपको बोल। मुझे भी बोला डॉक्टर चिकन खाना चाहिए, तुम बहुत तुमको जरूरत है। कितना अच्छा जोक बोला ना, कोई भी हंसेगा। मेरे को चिकन खाना चाहिए, मुझे जरूरत है, अल्लाह का करम है मेरे बच्चे को ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, क्या नहीं? मुझे लगता है कि तुमको ना दिन में ना कम से कम 3 बार तो चिकन खाना चाहिए। 3 बार 2 बार खाना 2 बार बड़ी मुश्किल से खाना खाया जाता है मुझे। मेरा सुबह का नाश्ता भी इतना नहीं है, मेरे को सिर्फ दोपहर का और रात का थोड़ा थोड़ा खाना लगता है। और ये 3 बार चिकन बोल रहा है। सही खुद की जरूरत मालूम, मतलब ऐसा लगता है कि मुझे ये चीज जरूरत है। चिकन तो जरूरत है तो मुझे ना ऐसा लगता है कि मुझे ना चिकन की जरूरत है। और भी अच्छा डॉक्टर 2 टाइम की थोड़ी दवा देता है, 3 टाइम की देता है। अच्छा ये भाजी कैसी लगी अभी बता सच्ची ईमानदारी से एकदम। अगर खराब भी लगी होगी सीधा सामने सामने अच्छी लग रही है, सच्ची में अच्छी है। स्ट्रीट फूड जायका पे ना भाई मैं मानता हूँ
सही में टेस्ट ना अलग होता है, जो नॉर्मल हम लोग घर में खाना बनाते हैं उससे अलग होता है। देखो मैं ये बात पहले भी क्लियर करी थी और आज फिर क्लियर कर रही हूँ, क्योंकि स्ट्रीट फूड जायका पे मैं एक भी मसाला मिस नहीं होने देती हूँ, मेजरमेंट लेके आप लोगों के लिए बनाती हूँ। इसके लिए यहाँ का थोड़ा सा खाना इसको अलग लगता है। हम नीचे खड़े खड़े जो है वो भी डाल देते, जो नहीं है उससे एडजस्ट भी कर लेते कि ये चीज नहीं है जाने दो कल पकेगा ये डाल के। लेकिन यहाँ पे कैसा है, यहाँ एडजस्ट नहीं करती हूँ, यहाँ पे मैं पूरा परफेक्ट बताती हूँ, क्योंकि आप लोग मेरा देख के बनाते हैं, आप लोग कुछ सीखते हैं। इसके लिए यहाँ पे थोड़ा मुझे मेजरमेंट के साथ हर चीज परफेक्ट डालनी पड़ती है। मुझे तो भाई ये भाजी अच्छी लगी, आप लोगों को भी अगर इस भाजी की सब्जी की रेसिपी पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक कर दो। और ये हमारे पत्ता गोभी एक किस्म की, एक तरीके की नहीं बनती है, बहुत तरीके से अलग अलग बनती है, डिफरेंट डिफरेंट बहुत सारी चीजें इसमें जाती है अलग अलग वे तरीके से। तो ठीक है, मैं बोल रहा था वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दो। जो हमारे चैनल पे नया है, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब ही नहीं किया, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा इस पत्ता गोभी को शेयर कीजिए। अम्मी ने चना दाल के बनाया है, बहुत से लोग चना दाल के नहीं बनाते। नहीं, ये चने की दाल में ना बहुत टेस्टी लगती है, आप लोग मेरे स्टाइल में इस तरीके से बना के जरूर देखना। और कौन सी सब्जी और आप देखना चाहते हैं वो भी कमेंट्स जरूर करना। ठीक है, अल्लाह हाफिज़। तो भाई जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो। चलते हैं, चलते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखना।